चलिए आज की सारी न्यूज़ तो मैंने आपको बता दी। OMG, क्या कहा आपने, सही पकड़े हैं। कैसे भूल सकते हैं हम आपको अनुपमा का अपडेट दिखाना। ले चलते हैं आपको सीधा अनुपमा के सेट पर। लौट आई शाह परिवार की खुशियां, शुरू हुई शाह हाउस की साज सजावट, और हो भी क्यों ना, बा और बाबूजी की शादी की 50वीं सालगिरह जो है, और उनकी सालगिरह सुनी जाए, भला अनुपमा ऐसे कैसे होने देगी। इसीलिए अनुपमा ने वनराज के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि इस बार बा और बाबूजी की सालगिरह वैसे ही मनाई जाए जैसे नए दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही हो। बस इसी की तैयारियां पूरा परिवार कर रहा है साथ में हंस खेल कर। बा और बापूजी के लिए ये कुछ स्पेशल स्पेशल सीन्स हो रहे हैं जिसमें उनको स्पेशली ट्रीट किया जा रहा है पूरे फैमिली वालों की तरफ से, एंड आई कैन सी कि वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश है। तो बस ये खुशी देखने के लिए ही मम्मी ने ये सारा प्लान किया है। भाई खुश होने वाली बात तो है ही, क्योंकि सारी गलत फहमियाँ जो दूर हो गई हैं, और अब अनुपमा फिर से अपने बा बाबूजी से मिल सकती है, बातें कर सकती है। हालांकि अनुपमा इस घर में वापस रहने नहीं आई है, वो घर जाने की बात कर ही रही थी कि इसी बीच उसके बेटे समर और पाखी ने उसे रोक लिया और बच्चों की जिद के आगे अनुपमा को रुकना ही पड़ा। और फिर रात भर चलती रही बा और बाबूजी की शादी की 50वीं सालगिरह को लेकर बातें। लेकिन ये क्या, सब साथ में मौजूद है लेकिन काव्या यहाँ से नदारद है। काव्या कभी मिल ही नहीं पाई, काव्या ने कभी कोशिश ही नहीं की कि पूरी फैमिली के साथ खड़े हो। काव्या हमेशा से सबसे दूर ही रहना चाहती है, और सबसे बड़ा तो रीज़न अनुपमा ही है। जब भी अनुपमा सबके आसपास होती है तो काव्या उस फैमिली से दूर रहना चाहती है, तो वो तो काव्या को खुद को सॉर्ट करना पड़ेगा। अनुपमा को आपने आज तो बुला लिया है। भाई काव्या तो इतनी आसानी से ऑल इज वेल होने नहीं देगी, वो कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर लेकर आएगी जिसे देखना काफी दिलचस्प होगा। ये मेरा घर है और यहाँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।